नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सरकार के सामने जनता से किए वादों को पूरा करने की चुनौती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि जनता ने उन्हें सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं चुना, हालात बदलने के लिए जनता ने पार्टी को बहुमत दिया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को विनम्र होकर आम आदमी से किए वादों को पूरा करने के लिए जुटना होगा। लेकिन पिछले एक महीने के दौरान आई तस्वीरें ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दे रही हैं कि क्या सत्ता के नौनिहाल बीजेपी के नेताओं पर कोई असर होगा? क्यों तमाम नसीहतें और तमाम लगातार चीजें दी गई हैं, उनको समझाया गया है, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ है किसी से छुपा नहीं। खैर, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की आइडियोलॉजी और आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देते हुए समझाया कि लोकतंत्र में आज परखेंगे कि क्या इन परिस्थितियों में पार्टी के बेडाल नेताओं और कार्यकर्ताओं से विनम्रता की उम्मीद रखना कितना जायज होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक के समापन कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी को प्रदेश में मिली प्रचंड जीत से कार्यकर्ताओं को अति उत्साहित न होने की नसीहत दी। अमित शाह ने कहा कि सूबे की जनता ने उन्हें मौजूदा हालात को बदलने के लिए बहुमत दिया है और जो वादे पार्टी ने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए उनको पूरा करके दिखाना है। हम किसी को MP, MLA या योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के मकसद से नहीं आए, हमें जनता ने काम करने के लिए चुना है। पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 15 साल में बेहतर प्रशासन के नाम पर सिर्फ उसका माखौल उड़ाया गया, गुंडों का बोलबाला रहा, लेकिन अब हालात को सुधारने की जिम्मेदारी हमें निभानी है। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी कि अब विनम्र होकर काम करना होगा, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूर को खत्म कर बेहतर सरकार देनी होगी। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण, ये तीन जो नासूर है देश की राजनीति पर लगे हुए, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटें देकर तीनों प्रकार के दूषणों से इस देश की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, इस देश की राजनीति को मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि किसानों की बात तो सब करते हैं, लेकिन हमारी सरकार किसानों की तकदीर बदलने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार किसानों तक सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मोदी जी के विदेशी दौरे पर सवाल उठाती है, जो सच नहीं है। वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कम विदेश जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी के विदेश दौरों की चर्चा हर जगह होती है और मौनी बाबा के विदेश दौरों का पता तक नहीं चलता था। इस देश में ऐसी सरकार चलती थी जिस सरकार का हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं मानता था। देश के प्रधानमंत्री की आवाज सुनने के लिए 6-6 माह तक देश की जनता को राह देखनी पड़ती थी और जब विदेश जाते थे देश के प्रधानमंत्री, ना वहां कुछ छपता था ना यहां कुछ छपता था, 4 पन्ने अंग्रेजी के लेकर जाते थे और वहां पढ़कर वापिस चले आते। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के पहले दिन खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि जब मैं सीएम बना तो लोगों ने कहा कि ये किस नमूने को मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे लिए राजनीति किसी पद को पाने का साधन नहीं, हमें दायित्व जो मिला उसे प्रतिष्ठा से ना जोड़कर हम परीक्षा मानकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद से बीजेपी उत्साहित है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दम्भ भी भर रही है, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष और सूबे के मुखिया पार्टी कार्यकर्ताओं को विनम्र होकर काम करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता और कथित भगवाधारी संगठनों से जुड़े लोगों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। उनके बच्चे तो राजनीति में हैं और जो गैर शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे ही नहीं है तो परिवार में कहां से आएंगे, ये अमित शाह जी को देखना पड़ेगा। जातिवाद की रही बात तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा था कि मेरी जो जाति है मैं पिछड़ी जाति से हूँ, पिछड़ी जाति की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने की, संघ हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करता है, जातिवाद की राजनीति करता है। और बाकी जो मुद्दों की बात इन्होंने जब कही है तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन पर अमित शाह जी कहें नहीं, अपनी ही पार्टी से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। सत्ता के नशे में चूर ऐसे ही कुछ नेता तमाम नसीहतों के बाद भी सरकार की किरकिरी कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने का राग अलापने वाली बीजेपी को यह समझना होगा कि पार्टी के भीतर ऐसे कई नेता हैं जिनके परिवार के दूसरे लोग भी सक्रिय राजनीति में हैं। इसका एक उदाहरण गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे और नोएडा से नवनिर्वाचित विधायक पंकज सिंह हैं। केरला से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को विधानसभा का टिकट पार्टी ने दिया था, हालांकि वो चुनाव हार गई।
बीएसपी से बीजेपी में आए और अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौम्य प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा से टिकट मिला था। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को लखनऊ उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया। मौजूदा सरकार में वो मंत्री भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट मिला, वो भी योगी सरकार में मंत्री हैं। प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा, संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह, रामलाल राही के बेटे सुरेश राही को हरगांव सीट से, सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर से और रंजना वाजपेयी के बेटे हर्ष वाजपेयी को इलाहाबाद उत्तर से बीजेपी ने टिकट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी बीजेपी को खुद को कहती है, लेकिन मौजूदा तस्वीर जो सामने आ रही है, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर आई हो या फिर सरकार बनने के बाद बीजेपी नेताओं की कारगुजारियों की तस्वीरें हों, वो इन्हीं पर सवाल करती है कि क्या वाकई में चाल और चरित्र और चेहरा पार्टी का सही है। अगर सही है तो फिर ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं, अगर गलत है तो क्या खुद अमित शाह की पाठशाला उन चीजों को सुधार पाएंगी। कुछ खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ वीके गोस्वामी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ जिशान हैदर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। केसी जैन साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अजय कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और अनिल दुबे हमारे साथ हैं, आरएलडी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वीके गोस्वामी जी, शुरुआत आप ही से कि ये पाठशाला काफी होगी बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, या कुछ और क्लासेस की भी जरूरत पड़ेगी? नहीं, आज हमारे यहाँ दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक थी जी, और बैठक की अध्यक्षता तो कल उद्घाटन सत्र में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्होंने भी विस्तार से उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बताया कि हमारा मुख्य मुद्दा विकास है जी, और जो भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद में जो निर्णय लिया गया, सबसे बड़ा निर्णय जो कर्ज माफी का था जी, बूचड़ खाना बंद करना था, एंटी रोमियो दल का गठन करना था जी, गन्ना किसानों कर्ज माफी का मैटर था जी, और सारे मुद्दे पर उन्होंने कल विस्तार से चर्चा की। और उसके बाद में आर्थिक प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव कार्य समिति में जो होते हैं। सर, कार्य समिति में क्या हुआ, जानकारी हम लोगों को है गोस्वामी साहब इस बात की? सिर्फ ये बता दीजिए कि जो क्लास ली है, जो नसीहत दी गई है, वो नसीहत काम कर जाएगी या फिर कुछ और नसीहतों की जरूरत भी पड़ेगी बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं? क्लास नहीं लिया है अमित शाह जी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विजय भाव के तहत आप में विनम्रता भी होना चाहिए। ये उन्होंने ये पाठ पढ़ाया है कि जितने भी कार्यकर्ता थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनको बताया कि विजय के साथ साथ में आपको उत्तर प्रदेश का विकास भी करना है। यानी विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में 73 सांसद दिए। वीके गोस्वामी जी, यानी जीतने के बाद उदारता दिखी, इसलिए कहा गया कि विनम्र रहो? नहीं नहीं नहीं, 2014 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सांसद दिए और 2017 में 325 विधायक दिए जी, तो उन्होंने बताया अमित शाह जी ने कि उत्तर प्रदेश में आपको विकास के मुद्दे पर आप आए हैं और सारे लोग विकास के मुद्दे पर ही बात कीजिए जी, और विकास की बात कीजिए। ठीक है, ये उन्होंने ठीक है सर, सरकार बनने के बाद पिछले तकरीबन 40 दिनों में आप ही के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहां कहां क्या क्या कारगुजारे किए हैं, तस्वीरों सहित नाम भी आपको बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा सर कि उदारता थी कि नहीं थी। जिशान हैदर, आपके पास मैं आता हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश में वापस आने का सपना कांग्रेस का भी था, लेकिन जातिवाद परिवारवाद से रहित खुद को बीजेपी बताती है, क्या वही चेहरा बीजेपी का नजर आ रहा है मौजूदा वक्त में? देखिए, आपकी जो रिपोर्ट आई है, दिखाई आपने इससे पहले ये भी दिखाई, उसमें खुद ही दिख गया कि किस तरह से परिवारवाद हावी है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में। जातिवाद के लिए हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया किस तरह से मोदी जी ने खुद जातिवाद की बातें की है। तो ये देखिए, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं आपको बताऊं, आज अमित शाह जी, योगी जी कार्य समिति की इनकी मीटिंग चल रही है, लगातार इनके जो नेता हैं, आज आप समझिए 40 दिन में सबसे ज्यादा उड़नता इनके नेताओं ने किया, वो भी कोई छोटे मोटा नेता नहीं, वो सहारनपुर के एमपी हो, सीतापुर के एमएलए हो, वो हरदोई के एमएलए हो, वो गोंडा के एमएलए हो, वो मेरठ के नेता हो जो थाने से जाके छुड़ा लेते हैं। आप समझिए, इतने बड़े बड़े नेता इनके भारतीय जनता पार्टी के, इतने बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह की हरकत करी है कि कहीं मार रहे हैं, उनके विजुअल आ रहे हैं, लेकिन एक भी एफआईआर, एक भी नेता के खिलाफ एक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी जी।
और इससे क्या संदेश जाता है? आप एक तरफ कहते हो डंडा ना करो विनम बनो और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है केसी जैन साहब, आपके पास मैं आता हूँ कि ऐसी उद्दंडता और कानून की जो असुरक्षा का भाव जो लोगों के बीच था वो पिछली सरकार के दौरान भी था, क्या सरकार बदलने के बाद कोई फर्क दिखता है आपको कि वही चीज बनी हुई है अभी तक? नहीं, आपका सवाल ही ऐसा है कि उसी में लगता है सारे जवाब समाहित है जी। देखिए पिछली सरकार में जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पे जिस तरीके से उसको बिल्कुल लगा कि कितना बड़ा मामला हो गया, बहुत छोटे छोटे मामलों को भी बहुत हाईलाइट करके जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से पेपर मीडिया की खबरें बनी और एक खबर को दिखाया नहीं जाता, लगता था उसको याद कराया जा रहा है। हाँ। तो उससे लगता था कि नहीं एक खबर नहीं, वो दिन भर 20 बार चली लगता है 20 घटनाएं हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी में आप देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में हाँ। तमाम सारे लोगों पे माननीय अखिलेश यादव लगातार कार्रवाई। सर पुरानी बातें हैं, पिछली सरकार की बात है, दौड़ने का बहुत फायदा नहीं है। सर फहरिस्त निकलेगी तो बहुत लंबे दूर तक फहरिस्त फैल जाएगी, वो छोड़ देते हैं हम लोग, मौजूदा सरकार पे सर आते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए अब पुरानी बातें खत्म हो चुकी है, ये तो बात हो गई पुरानी सरकार की। अब बात यह है कि जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने विश्वास और भरोसे पे दिया कि हमें न्याय मिलेगा, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम होगी, विकास पे चर्चा होगी, विकास की बातें होंगी और विकास दिखाई देगा। लेकिन इसके उलट तस्वीर दिखाई दे रही है। अब तक की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल उससे उलट है। आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया ये कहती है कि हम एडिशनल एसपी की खाल खिंचवा लेंगे, ये एक बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, छोटा स्टेटमेंट नहीं, मीडिया के सामने कहा और उस पर बाकायदा रिकॉर्डिंग है, आप लोगों ने सब उस पर दिखाया, उस पर चर्चा भी हुई और उसके बाद में उन पर कार्रवाई क्या हुई जी, क्या कार्रवाई हुई? तो जैन साहब इस मामले में सपा के लोगों के लिए खुश होने का मौका है क्या कि भाई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, या फिर आप हराम जादे कि कम से कम अब तो परिवर्तन लाइट आती है तो जी? सर तो आप लोगों के लिए क्या खुश होने का मौका है कि भाई पहली सरकार में जैसा था वैसा भी अभी है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, या फिर आप लोग ये महसूस करते हैं कम से कम अब परिवर्तन हो? नहीं नहीं, देखिए ये आरोप लगाने का समय नहीं है जी समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि उसकी सरकार नहीं जी, और जिसकी जिम्मेदारी होती है वो सरकार जवाबदेह होती है जी। तो सवाल तो यानी कि सर आप महसूस करते हैं कि परिवर्तन की जरूरत इस वक्त है? आप सन नहीं नहीं आप जो है आपातकाल तक पहुंच जाएंगे, आप जो सिखों की हत्याएं हुई थी उन तक पहुंच जाएंगे, तो उसका समय नहीं, आजादी के समय पहुंच जाएंगे, गांधी जी ने क्या किया था, वर्तमान में जो सरकार है जी, उसकी जो जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरीके की बात करेंगे कि पहली सरकार में जो स्थिति थी वही अब भी है, इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार को आप भागने का पूरा मौका दे रहे हैं जी। तो हम लोग डिबेट करने बैठे हैं हाँ। उनको भागने का मौका देंगे, फिर डिबेट का मतलब क्या है? नहीं 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 कैसे जैन साहब, भागने का मौका नहीं सर, गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जवाब देंगे। छोटा सा सवाल मेरा जैन साहब से ये है, कैसे जैन साहब छोटा सवाल ये है, क्या परिवर्तन की आवश्यकता और परिवर्तन की गुंजाइश मौजूदा वक्त में दिखती है आपको? खरीद दिखाई दे रही है सर, क्या परिवर्तन की आवश्यकता और परिवर्तन की गुंजाइश मौजूदा वक्त में लगती है आपको? नहीं नहीं, आप देखिए उल्टा उलट हो रहा है जी। किस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ा है, एक ही घर के चार चार लोगों की हत्या हो जाती है जी, पुलिस अधिकारियों के घर पे हमला होता है जी, सहारनपुर में किस तरीके से हमला हुआ, बिल्कुल तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। ठीक है, जो कुछ था उसके उलट तस्वीर है जी, जो शांति व्यवस्था कायम थी, जो लॉ एंड ऑर्डर कायम था जी, उसके विपरीत सारी स्थिति ठीक है सर। अनिल दुबे जी, राजनीतिक राजनीतिक गतिविधियों को पिछले सरकार से बहुत पुराने वक्त से लेकर आपने तमाम चीजों को लेकर देखा है, पिछली सरकार के कार्यकाल में जो आक्षेप लगते थे, जो आरोप लगते थे, क्या ये आक्षेप, ये आरोप, ये परिस्थितियां उससे इतर हैं क्या? अनिल दुबे जी, अनिल जी आप एक बार सवाल अपना दोहरा दें। सर सवाल मेरा अनिल जी ये है कि पिछली सरकार के दौरान जो कानून व्यवस्था को लेकर या फिर नेताओं की मनमर्जी को लेकर, उनकी उद्दंडता को लेकर जो आरोप लगते थे, जो आक्षेप लगते थे, मौजूदा परिस्थितियां उससे अलग है क्या, जो बीजेपी नेताओं की सिलसिलेवार तरीके से जो हरकतें सामने आई हैं? देखिए आनंद जी, सवाल यह है कि अगर पिछली सरकारों ने अच्छा काम किया होता जी, पिछली सरकारों के समय में अगर सभी चीजें अच्छी होती तो इनको बहुमत क्यों मिलता, बिल्कुल, और इतना प्रचंड बहुमत क्यों आता? तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा इनसे रही है कि जो पिछली कमियां थी वो ये नहीं करेंगे जी। लेकिन जो शुरुआत है कि अब जो शुरुआत है वो
एकदम अभी हम एकदम विरोधात्मक बात करें, एकदम सीधे आरोप लगाएं, तो मैं समझता हूं कि अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआत का जो लक्षण है वो ये नहीं लगता है कि जैसे ये पाठशाला में की जो बात आपने कही और आपने जवाब भी देने का काम किया, आपने उनको जो है उनके उनकी पाठशाला भी बताई और उनका जवाब भी बताया, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि पहले जो आप कह रहे हो उसको अनुकरण करने का काम करिए, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, आप दूसरे को आरोपित कर रहे हैं तो पहले अपना श्वेत पत्र लाइए। आपने परिवारवाद की बात की, आपने वंशवाद की बात की, बहुत अच्छी बात है, आप खत्म करिए। आपने जो कहा, अगर कहीं ना कहीं कमियां थी तभी आप सत्ता में देश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में आए हैं, आप उन कमियों को, आप अपना भी तो श्वेत पत्र लाइए, आप भारतीय जनता पार्टी का श्वेत पत्र दीजिए कि कितने परिवार के लोग, किन परिवार के लोगों लोग जो है राजनीति में इस तरह से हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है जी। आप ये देखिए इनके ठीक बात है सर, मैं वापस लौटूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन विखे गोस्वामी जी, आपके आपकी तरफ से मैं चाहूंगा, जो श्वेत पत्र की बात की है अनिल कुमार, अनिल जी ने आपको और रोकना चाहूंगा जी, मैं एक मिनट आपका और लेना चाहूंगा जी, कि इनके एक मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिल्कुल संस्कारों से लैस, विचार से युक्त पार्टी बताती है, इनके एक मंत्री हरिद्वार जाते हैं और उन्होंने कहा कि एक ये वीआईपी घाट है और उसका नाम बदल के वीआईपी घाट का नाम शंकराचार्य के नाम पर कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उस घाट का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर था, चौधरी चरण सिंह जी कभी वीआईपी नहीं रहे, हमेशा वीआईपी कल्चर के विरोधी रहे, और आपने शंकराचार्य को, जिनको इस देश के लोग भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, आप भगवान शंकर के अवतार को दूसरे को समर्पित चीज नहीं समर्पित की जा सकती, ये संस्कार बताते हैं, ये जो हमने संस्कार सीखे हैं, इन्होंने भगवान शंकर के अवतार, अजय कुमार जी दूसरे को समर्पित चीज समर्पित चाहूंगा कि चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी खुद को बीजेपी कहती है, परिवारवाद से दूर रहने की बात कहती है, लेकिन जो टिकट बंटवारे की हमने शुरुआत में बात देखी थी, परिवारवाद वहां झलकता है, चाल और चरित्र और चेहरा कितना इनका खूबसूरत रह गया है, ये बीजेपी नेताओं की जो कारगुजारें रही हैं, चाहे वो बाराबंकी से प्रियंका रावत हो, मेरठ में मेरठ की घटना हो, सहारनपुर की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, हरदोई की घटना हो, बाराबंकी की घटना हो, इस तरीके से जनता के ऊपर हावी होने की कोशिश की गई है, प्रशासन के ऊपर हावी होने की कोशिश की गई है, तो क्या यही सुशासन है क्या? अनंत जी, आखिर आज अमित शाह को इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वो अपनी कार्य समिति में अपने मंत्रियों और कार्य समिति के सदस्यों को उपदेश दें? क्या उपदेश दिया उन्होंने? परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आपको मदांध नहीं होना चाहिए। तो क्या इनके कार्यकर्ता, इनको लगा होगा कहीं ना कहीं मदांध हो गए, इनको कहीं ना कहीं इनके मंत्री बेबस हो गए, या इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, चाहे वो मेरठ की हो, चाहे बुलंदशहर की हो, बहुत सी घटनाएं, तो कहीं ना कहीं से आज अमित शाह को यह आभास हुआ है कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे मंत्री, डंडा वही है, केवल झंडा बदल गया, वो संस्कृत वही है, गुंडाई वही है, उसमें कमी नहीं आ रही है, शायद इसी कारण आज उनको ये नसीहत देनी पड़ी। अब जहां तक परिवार बात की है, आपने स्वयं बताया, विजुअल में भी दिखाया, खुद आप देखिए इलेक्शन के समय में किन किन लोगों को टिकट दिए गए, और उसके बाद देखिए अभी केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को क्या बनाया गया, जातिवाद की लोग चर्चा शुरू करने लगे, यहां तक कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बिरादरी के तीन तीन लोग हो गए, डीएम बहुत से हुए एक जाति के हो गए, ये चर्चाएं शुरू हो गई। तो इस पर ये नसीहत इसीलिए दी गई है कि हम पर ये आरोप न लगे जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे जातिवाद के, और सबसे बड़ी बात है उसके अपने गुंडई के, तो ये आरोप न लगे, शायद मुझे लगता है अमित शाह ने यही सोच करके आज ये व्याख्यान दिया, आज ये उपदेश दिए, अपने कार्यकर्ताओं से कहा, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने या मंत्रियों ने अभी तक किया, अगर एक पर भी कार्रवाई हो जाती जी, चाहे तो संदेश सर कुछ और ज्यादा, मैसेज तभी जाएगा जी, जब आप कार्रवाई करते। अजय जी, लेकिन क्या परिवारवाद से बीजेपी परे है? क्या बीजेपी का चेहरा वाकई में इतना साफ नहीं है मौजूदा वक्त में, जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है, जितना दिखाया जा रहा है? देखिए, वो तो कह देंगे कि भाई अगर परिवार में लड़का योग्य है तो उसको उसी तरह से मिलेगा, तो परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जी,
आज भी परिवारवाद उनमें व्याप्त है, चाहे लालजी टंडन हो जाए, केसरी नाथ त्रिपाठी हो जाए, कल्याण सिंह हो जाए, दर्जनों की लिस्ट है, ब्रजभूषण शरण सिंह हो जाए, संजय सिंह हो जाए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन परिवारवाद जहाँ है, परिवारवाद से बड़ी बात जातिवाद की है। परिवारवाद तो चलिए कहीं ना कहीं से निभ जाएगा, हो जाएगा कि अगर लड़का उपयोगी है, योग्य है, तो वो बन गया, लेकिन जब जातीयता का होता है या गुंडाई होती है जी, वहां पर जनता को सामने आने लगता है, जातिवाद के आरोप अब लगने शुरू हो गए योगी जी पर। योगी कोई जात नहीं है बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से एक न सिर्फ अधिकारियों को लेकर से जो मंत्रियों की फेहरिस्त है उसको लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि एक ही जाति से संबंध रखने वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। आनंद जी, निश्चित रूप से उनको अच्छे विभाग दिए जाने की बात जी, या उनको प्राथमिकता दिए जाने की बात यह शुरू हो गई है और इसकी चर्चाएं हम लोगों के बीच आने लगी जी, पत्रकारों के बीच लोग खुल करके चटकारे लेके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, लंबी लंबी लिस्ट फेरिस। आज ही बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक को ऐसा पद दिया गया, ऐसे व्यक्ति को जो एक जात का है और वो मेरिट में भी नहीं जी। अभी ये चीजें आएंगी ठीक है। विजय गोस्वामी जी, अभी तक सपा के ऊपर यही कहकर निशाना साधते थे कि परिवारवाद की राजनीति करती हैं, एक जाति विशेष के ऊपर मेहरबानी की जाती है, अब यही अगर आक्षेप आपकी सरकार में भी कार्यकाल में उठने शुरू हो गए तो फिर क्या फर्क रहा आपकी आइडियोलॉजी में उस आइडियोलॉजी में? देखिए, परिवारवाद तो बीजेपी में है ही नहीं, जो हमारे बड़े साथी वरिष्ठ पत्रकार हैं कह रहे हैं जी, बताइए परिवारवाद किसे कहते हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष होता है, वो जिला अध्यक्ष होता है, पंकज सिंह, मृगांका सिंह, उत्कर्ष मौर्य, प्रतीक भूषण, आशुतोष रंजन, सिद्धार्थनाथ सिंह, नीलिमा कटिया, सुशांत सिंह, कांग्रेस में कौन, ये सब कौन है, कौन होता है, ये क्या सिर्फ पहले जो बड़े नेता है उन्हीं के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया गया था क्या? अखिलेश यादव बसपा में कौन होता है? मायावती, उनके भाई आनंद कुमार। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है मैनुअल, हमारे यहाँ सर अगर परिवारवाद नहीं है गोस्वामी जी, तो जो फेहरिस्त मैंने आपको गिनाई है ये फेहरिस्त किस बेस पर तैयार की गई थी, क्या योग्यता के आधार पर बताया कि इनकी योग्यता गोस्वामी जी दिया गया? जो फेहरिस्त तैयार परिवार की बात की पर देखिए गोस्वामी, जो फेहरिस्त मैंने आपको बताया सर, जो नाम बताए वो किस नाम सांसद का लड़का योग है और तरीके से क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको टिकट देना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन परिवारवाद जिस तरीके से अन्य पार्टियों में ठीक है तो गोस्वामी जी फिर सभा के ऊपर सवाल क्यों उठते हैं? अखिलेश यादव नाकाबिल या क्या? जात की बात सर, अखिलेश यादव के नाकाबिल थे क्या? फिर सभा के ऊपर सवाल किस मुंह से उठाते हैं आप लोग? रामगोपाल नाकाबिल नहीं, ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और आज अमित शाह जी ने जो नसीहत नहीं दिया है, उनका अपना जो प्रदेश कार्य समिति में एक स्पीच होता है, उन्होंने विकास के मुद्दे पर बात किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात नहीं, किया, कार्यकर्ताओं चीजों को भटका नहीं सकते विके गोस्वामी जी, एक एक करके पहले बात करते हैं सर कि उसमें अमूर्जा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जनमत आया है वो बीजेपी के पक्ष में आया है। उतावलेपन से काम नहीं चलेगा गोस्वामी जी, शांति के साथ व्यवस्थित तरीके से आप मुझे जवाब दीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि जो आपके यहाँ फेहरिस्त है वो योग्य लोग हैं तो सपा के ऊपर फिर ये सवाल क्यों उठाया जाता था? आज हिंदुस्तान में गेरा को वीके गोस्वामी जी, सपा के ऊपर सवाल क्यों उठाया जाता था? 1387 के सर सपा के ऊपर सवाल क्यों उठाया जाता था? इनका बीजेपी का कब्जा है 70% मतदाताओं पे, इस तरीके से बीजेपी एक जमीन की पार्टी है जो कार्यकर्ता पार्टी का बैठकर व्याख्यान करेंगे तो लोगों के सवाल वहीं के वहीं रह जाएंगे, लोग आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। सवाल मेरा सर कुछ और आ रहा है, जवाब आपको कुछ और आ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज का विषय है प्रदेश कार्य समिति के मुद्दे पर बात मुझे करना है, न कि आप फिजूल की बात पे। उसी कार्य सर, ये उसी कार्य समिति सर, ये उसी कार्य समिति के मुद्दे हैं। जातिवाद की बात क्या वहां नहीं की गई थी? परिवारवाद से परे रहने की बात क्या वहां नहीं की गई थी? चार चरित्र चेहरे की बात क्या वहां नहीं की गई थी? संयमित होने की बात क्या वहां नहीं की गई थी? कांग्रेस परिवारवादवादी पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद उनके तो दूसरा कोई बना नहीं जी। यही हाल ठीक है, देख लीजिए विनम्र होने की बात, विनम्र होने की बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी गोस्वामी जी, विनम्र होने की बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी, ये बात तो मानते हैं आप? प्रधानमंत्री बना हो वीके गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी एक बता दीजिए सर, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए कि जीतने विजय के बाद विनम्र होने की बात क्या कही थी कि नहीं कही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके? ये निश्चित रूप से कहा थी ना, तो मुझे बताइए कि बाराबंकी की आपकी सांसद प्रियंका रावत जो है वो खाल खिंचवाने की बात करती हैं, मेरठ के संजीव त्यागी आपके पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर वर्दी फाड़ने की कोशिश करते हैं, बुलंदशहर में आपके सभासद जो है पत्रकार पर हमला करते हैं, सहारनपुर में राघव लखन पाल के ऊपर आरोप है कि आईपीएस ऑफिसर के घर पर उन्होंने हमला करवाया, बरेली के जो आपके विधायक है महेंद्र यादव बरेली जाते हुए टोल पर उन्होंने टोल कर्मियों से बदतमीजी की, मारपीट की, ये सब क्या विनम्र है क्या लोग? ये
इनके ऊपर पार्टी की तरफ से एक भी कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? सहारनपुर की घटना मानो आप ही के चैनल पर मैं बैठा था, जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी सांसद के ऊपर, वो मैंने वही कहा सर, राघव लखनपाल के साथ मैंने ये, राघव लखनपाल के नाम के साथ मैंने जोर दिया कि उनके ऊपर आरोप ही है, उसके अलावा जो लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मेरठ वाले हमारे सांसद चोट खाए हैं उस पर आप बात नहीं करते, और चोट खाने के बाद में अगर अपनी बैठा लेकर कोई एसपी के यहाँ चला जाए तो बहुत गलत काम कर दिया। वीके गोस्वामी जी सर बहस को लंबा खींचेंगे तो छोटा सा उत्तर मुझे दे दीजिए, रैली के ऊपर बवाल हुआ था, रैली निकालने से पहले कानून की इजाजत ली थी क्या आप लोगों ने? जी नहीं, कोई नहीं ली थी ना सर, मोटा कोई यात्रा लेके जा रहा हो गांव घर में या लेकर उसमें कोई उसमें सर क्या उसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उसका जत्था उधर कहीं चल देगा, व्यवस्था कौन संभालेगा? राज शहर में आकर करने जाते हैं उसमें उसमें इजाजत की जरूरत पड़ती है? हाँ आप देख किसी भी शहर में देख लिए, कोई छोटी मोटी मूर्ति रखता है या कोई रामायण का प्रोग्राम करता है या उसका विसर्जन नहीं? वीके गोस्वामी जी ठीक है ठीक है, अजय कुमार जी, अजय जी आपके पास मैं आता हूँ चीजों को लेकर, अपनी हर चीज के लिए डिफेंस है वीके गोस्वामी जी के पास। फिर वापस लोगों पर सवाल किस मुंह से उठाते थे? क्या ये जो लोगों की फेरिस्त है, ये तस्वीरें जो सामने आई है टोल पर मारपीट की, इनकी सांसद की वीडियो सामने की, अधिकारी की खाल खिंचवा लेंगी, ये झूठी है क्या? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहाँ कानून कहाँ जाता है? महेंद्र यादव जी मानुअर टोल प्लाजा पर महेंद्र यादव जी विधायक सीतापुर विश्वा के, मैंने उनसे पर्सनल फोन पे बात किया जी। वो इतने विधायक जी विनम्र हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, मैंने उनसे पूछा कि विधायक जी ऐसी ऐसी क्या हरकत सर, उनकी विनम्रता की तस्वीरें देखी हैं गोस्वामी जी आपने? उनकी विनम्रता की तस्वीरें टोल पर कितने विनम्र वो थे तस्वीरें देखी हैं आपने? राइफल बंदूक लेके बैठते हैं, आपको मालूम होगा आप भी टोल प्लाजा पर निकले होंगे जब उनकी गाड़ी आ रही थी और आधा घंटा उनकी गाड़ी रोक रखा, उसके बाद में उनको उतर करके जब वो गए समझाने लगे टोल पर गुंडे बैठते हैं टोल पर, उसका जवाब कोई ना कोई कार्यकर्ता टोल पे गुंडे बैठते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है जी। हाँ टोल प्लाजा पर राइफल बंदूक लेकर जितने भी ठेकेदार होते हैं हाँ, आप भी यात्रा तो फिर कानून व्यवस्था फिर आप ही की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं फिर आप ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं अगर वहाँ पर गुंडे बैठते हैं तो ये पुरानी व्यवस्था उनको धरपकड़ क्यों नहीं हो रही? केसी जैन सर आज ही कैसे बैठ रहे हैं? आज तो आपका है, यही तो हमें ठीक करने के लिए जनता ने जनमत दिया है यूपी में। हाँ ठीक सर कर तो रहे हैं आपके नेता, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, उसी विनम्रता की दुहाई दी है अमित शाह ने आज टोल प्लाजा पे। भाजपा का विधायक वो तो गुंडे करके निकल आया उल्टा मारपीट करके, लेकिन आम आदमी निकलेगा उसके साथ क्या होगा? वो तो लुट जाएगा वहां पे और आप बैठे तमाशा देखते रहेंगे। आपकी सरकार है, उनको क्यों नहीं हटा रहे? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे? तो कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई किया? क्या कार्रवाई बताइए? टोल प्लाजा पे जांच हो रही है, मतलब विधायक जी देखिए गोस्वामी जी हरे टोल प्लाजा की छोड़िए, गोस्वामी जी हरे टोल प्लाजा छोड़िए, बरेली के टोल प्लाजा की बताइए, वहां पर आपने कहा गुंडे बैठते हैं, बदलाव वहां पर हो गया क्या? देखिए हम विधायक जी जा रहे थे जब उनकी गाड़ी आधे घंटे घटना के बाद क्या बदलाव वहाँ पर हो गया? तो कोई आदमी उतर के पूछेगा नहीं पूछेगा सर? उस घटना के बाद क्या बदलाव वहाँ पर हो गया? मेरे पास जवाब है, बदलाव हो गया है, बदलाव ही जनता ने बदलाव ही किया है, जनता ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का ही मैंडेट हमको दिया है। गुंडे भी नहीं परिवर्तन के लिए हम हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं इनके पास कोई तर्क नहीं होता है। आज बीजेपी के जो नेता कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं और बाकी सब गुंडे हैं। आज बीजेपी के जितने महामहिम हैं जितने नेता हैं वो सब गुंडे हैं। वापस मैं लौटूंगा आपके पास, बाकी सब गुंडे। अजय जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सारी तस्वीर हम दिखा भी देंगे इनको, वीके गोस्वामी जी को। अजय जी आपके पास मैं आऊंगा, अमित शाह ने कहा कि सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हम यहाँ पर, काम करने के लिए आए हैं, क्या यही काम करने का तरीका है बीजेपी का? नहीं देखिए अभी देखिए हमारे भाजपा के गोस्वामी जी वापस लौटूंगा सर आपके पास। हाँ मैं गोस्वामी जी ने अभी एक बात अनंत कही जी कि टोल प्लाजा पर गुंडे बैठते हैं जी। मेरा उन्हीं से एक प्रश्न है कि ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है और कितने गुंडों पर इनके मंत्री ने कार्रवाई की केंद्रीय सरकार ने? अगर ये स्वीकार करते हैं कहा कि टोल प्लाजा पर गुंडे बैठते हैं बंदूक लेके बैठते हैं,
क्या इन्होंने या इनके जिस विधायक ने वहां पर की, क्या उसने केंद्रीय मंत्री को इस बात की शिकायत की? क्या कभी केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई की? जी अलग की बात है, देखिए टोल प्लाजा का होता है, हाँ सेंट्रल का नहीं होता है। अरे भाई सेंट्रल नहीं होता है, अरे तो यहाँ भी आपकी सरकार है, तो सर स्टेट में भी आपकी सरकार है गोस्वामी जी। आप देखिए आनंद 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 कार्रवाई कर रही है वीके गोस्वामी जी, चर्चा करते हैं सर, बहस में तब्दील नहीं करते हैं इसको, वापस से लौटूंगा आपके पास। जी अजय जी, तर्क का जवाब अगर कुतर्क से दिया जाएगा तो तर्क नहीं माना जाएगा। जी तर्क करिए, कुतर्क मत करिए। मैंने यही सवाल उठाया कि अगर वो गुंडे हैं तो क्या प्रदेश सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की? जहां तक एक चीज, जहां तक एक चीज और है, सहारनपुर की बात की, देखिए सहारनपुर की बात की कि अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सरकारी नियम है कि कोई भी नया प्रोसेशन, धार्मिक प्रोसेशन या जुलूस निकाला जाएगा नया या परंपरागत भी निकल रहा हो तो उसकी एसडीएम से हम लोग यही कराते हैं। हम तो स्कूल का एक फंक्शन कराते हैं आनंद, हाल में कराते हैं, उसकी भी अनुमति एडीएम से लेनी आवश्यक है। बिल्कुल नियम है, आप खुद ही नियम तोड़ रहे हैं। जब आप नियम तोड़ रहे हैं तो तर्कों का जवाब, सर नियम तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर तर्क ये दिया जा रहा है कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं, शायद देवी जी की मूर्तियां रखी जाती है, नहीं नियम है बिल्कुल है, कौन कह रहा है बताइए। हाँ नहीं कहिए वीके गोस्वामी जी, अपनी बात आप कहिए पहले, कहिए कहिए। देखिए जी, जो टोल प्लाजा की बात करें, ये कानून व्यवस्था स्टेट का है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था रही 15 साल में जिस तरीके से चरमरा गई थी, इसी चरमराने के लिए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दी है, आदर्श बीजेपी आदर्श आने के बाद यहाँ कानून का राज चलेगा। दिशा इधर वापस लौटूंगा गोस्वामी जी, आदर्शवाद की सतह पर आपकी बात बिल्कुल वाजिब लगती है, आदर्श की सतह पर सर आपकी बात बिल्कुल वाजिब लगती है, लेकिन बताइए आप ही के विधायक ने, ठीक है वापस लौटूंगा आपके पास केसी जैन, वापस लौटूंगा गोस्वामी जी, आप ही कह रहे हैं कि विधायक जिन्हें वहां पर स्पॉट किया कि भाई गुंडे बैठते हैं वहां पर, इस घटना को तकरीबन तकरीबन एक हफ्ता होने जा रहा है सर, इस घटना को एक हफ्ता होने जा रहा है, एक हफ्ते में कोई तब्दीली हुई वहां पर विधायक के खुद वहां पर स्पॉट करने के बाद? निश्चित रूप से तब्दीली हुई है वहाँ पे, क्या तब्दीली हुई सर? सारे टोल टैक्स पे इसकी सूचना दी गई, इस तरीके का जो कोई आया उसको, ये नहीं कि आधे आधे घंटे रोक कर रखा जाए, आम पब्लिक भी परेशान हो जाए सर, क्योंकि सरकार पब्लिक के लिए है। पर क्या हुआ सर, जिनको आप कह रहे हैं गुंडे वहाँ बैठते हैं, उन गुंडों का क्या हुआ? सारी समस्याओं के लिए सरकार है ये सर, उन गुंडों का क्या हुआ जिनको आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं विधायक ने बताया कि गुंडे वहाँ बैठते हैं, उन गुंडों का क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई क्या? गिरफ्तारी क्या, विधायक ने कहा उनकी गाड़ी निकली और उसके बाद में जितने भी वहाँ के लोग थे, अब उसको आप लोगों के पास और कोई मुद्दे नहीं है, हमारे जो विकास के मुद्दे हैं, जो कर्ज माफी उत्तर प्रदेश में किया गया है, इंडियन रोमियो का जो दल था यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग स्कूल जाने के लिए घर में विवश होते थे, आज स्कूल जाने लगेगी, उस मुद्दे को आप उठाइए मान्यवर, गन्ना किसानों का जो भुगतान हो गया है उस मुद्दे को उठाइए आप, आप देखिए हर जिले में गेहूं क्रय केंद्र खोला गया जो 15 साल में कभी भी खरीदारी नहीं हुई है, पूरे गेहूं क्रय केंद्र गोस्वामी जी इस बात की जानकारी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, गोस्वामी जी इस बात की जानकारी मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि जो कर्ज माफी की बात आपने की है, कर्ज माफी में वादे आपके मैनिफेस्टो में कुछ और किए गए थे, जिस वक्त कर्ज माफी का मौका आया था तो वहां पर लघु किसान और किसान छोटे किसानों की बात करके उनको बहुत ज्यादा आपने सीमित कर दिया था, उतनी कर्ज माफी नहीं हुई जितनी आपने बात की थी, लोग उससे भी ठगाव महसूस कर रहे हैं, तो कर्ज माफी के ऊपर सब किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे तो विस्तार में आपके सामने सब आंकड़े भी रखूंगा। एक चीज और, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने 2016 और 2017 के बीच का कर्ज नहीं माफ किया जी, इन्होंने फसली ऋण इन्होंने 2016 और 17 का माफ नहीं किया है, और सीमांत किसानों के बारे में घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मैं चैलेंज के साथ आता हूं जो भी कर्ज माफी किया जाएगा, ठीक है आप मंगा करके देख लीजिए, क्या ठीक है जिशान हैदर बीके गोस्वामी आप दोनों के पास में लौटूंगा सर, आप दोनों के पास में लौटूंगा। दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद एक सवाल रहेगा मैं जिशान हैदर से जी, आप मुझे मौका दीजिए, मौका दीजिए, मैं गाड़ी से निकाल कर, ठीक है गोस्वामी जी ठीक है गोस्वामी जी, वापस मैं लौटूंगा सर आपके पास, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे अजय जी,
कि इन नसीहतों का कितना असर होगा, क्योंकि पिछले सरकार के दौरान केसी जैन साहब बुरा मानिएगा था, असल ये चीजें हुई हैं सर, इतिहास को खंगालना जरूरी हो जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने कई दफा बैठक ली थी सपा कार्यकर्ताओं की, लेकिन अंत तक क्या चीजें रही थी हम सब ने देखा है। अब बीजेपी में वही जब परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो अब अमित शाह का ये पाठशाला देना कितना आपको लगता है वाजिब है, कामयाब होगा? अजय जी देखिए, मैं एक बात कह दूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, एक काम मायावती ने पहले दिन किया था जब बनी थी जी। अपने यहां से उसने अपनी ही पार्टी के एक सांसद को गिरफ्तार करके भिजवाया था, एक संदेश गया था नीचे तक उनके कार्यकर्ताओं की, क्या उसके बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं थी कि किस तरह की काम करे। बात की बात छोड़ दीजिए कि क्या हुआ उनके यहाँ, खुद भ्रष्टाचार हुआ जी। अजय जी कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस मैं लौटूंगा सर आपके पास। जिशान हैदर आपके पास मैं आता हूं चीजों को लेकर कि लाल बत्ती उतरवा दी गई, लेकिन क्या दिमाग से लाल बत्ती का जो नशा है वो खुमार उतरा है कि नहीं उतरा, क्या वो उतरना ज्यादा जरूरी नहीं है? पहली चीज, दूसरी चीज आप परिवारवाद की बात करते हैं, वरुण गांधी से लेके अनुराग ठाकुर तक, वसुंधरा राजे तक, देखिए ऊपर से नीचे तक इनका सिर्फ परिवारवाद है। नहीं ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते आप परिवारवाद पर सर बात ना करें, उंगली आपके ऊपर उल्टी उठ जाएगी। कानून व्यवस्था पर लोग बात करते हैं, परिवारवादी पार्टी भी है। ठीक है गोस्वामी जी, राजे के लड़के एमपी है, आपको शायद पता नहीं, गोस्वामी जी से कहते हैं लगता है जिशान हैदर, विकी गोस्वामी, आप दोनों के पास सर मैं वापस लौटूंगा। विकी गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, सर आप ही के लिए एक फुटेज मेरे पास है। विकी गोस्वामी जी सर सुन लीजिए, आप ही के लिए एक फुटेज मेरे पास है, आप ही के एक सांसद हैं, वो कितनी विनम्रता के साथ पेश आ रही हैं, इसके बाद नजीर आप देख लीजिए, उस नजीर को देखने के बाद हम वापस सवाल लेकर आपके पास आएंगे। जितनी मलाई काट सकते हैं काट ली इन्होंने, ये भाजपा की गवर्नमेंट है, मलाई तो क्या शरीर में से खाल निकाल दी जाए मैडम, मेरा अगर काम नहीं करेंगे। जितनी मलाई काट सकते हैं काट ली इन्होंने, ये भाजपा की गवर्नमेंट है, मलाई तो क्या शरीर में से खाल निकाल दी जाए मैडम, मेरा अगर काम नहीं करेंगे। गोस्वामी जी अब क्या कहेंगे आप इस बारे में, जिन विनम्रता से बात कर रही हैं, क्या इसी विनम्रता के बारे में बात हो रही थी आपकी कार्यकारिणी के दौरान? जी आपका विचार कार्यकारिणी पर जो जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, विकास के मुद्दे पर बात हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त की बात हुई है, और उसके बाद में जो केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को सर जन प्रतिनिधि अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आपने बहुत मलाई काट ली, अब मलाई तो क्या आपकी खाल हम उतरवा लेंगे, तो ये कौन सी भाषा है, इसके ऊपर सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए? ये हमारे जो गोस्वामी जी सवालों से बचिए मत सर, सवालों से बचिए मत, सीधा बताइए आप मुझे कि अगर आपकी सांसद अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं अधिकारी के साथ, वो भी तो सवाल क्यों ना पूछे जाए? कर्ज माफी का काम किया है, एंटी रोगियों का गठन किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है, और उसके बाद में आलू का समर्थन। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ और तस्वीरें मुझे आपको दिखानी होंगी, विनम्रता दिखाने के लिए, सहनशीलता और सहजता दिखाने के लिए। टोल प्लाजा की जो तस्वीरें हैं सर, एक बार वो भी आप देख लीजिए कि कितने विनम्र विधायक वहां पर रहे थे। बरेली प्लाजा पे ये देखिए विनम्रता, ये विनम्रता, विनम्रता का जीता जागता सबूत। देखिए आनंद जी, जी गोस्वामी जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना था जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि आप विजय होकर के भारी बहुमत में आए हैं, तो आपको हाँ। विकास के साथ सर आपने कहा था, अभी आपने अभी कहा कि महेंद्र यादव जी आपके अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ बदतमीजी की गई, वो बहुत विनम्र वहां पर रहे, अभी आपने कहा ना गोस्वामी जी विकास के साथ आप विनय होइए,
विधायक जी ने वहाँ पे किसी को नहीं मारा। हाँ। नहीं, नहीं, मारा नहीं है। हाँ। आप जो मारा नहीं है, दिखा रहे हैं, मारा नहीं है। अच्छा, गाड़ी रोकी गई है, वो बात ठीक है। एक बार सर आप और देख लीजिए, तसल्ली आप कर लीजिए विखे गोस्वामी जी, एक बार आप और देख लीजिए, उसके बाद शायद आपको यकीन हो कि वहाँ पर हुआ क्या था। तस्वीरें सर झूठ नहीं बोलती है। देखिए आनंद जी, इसको मारना कहते हैं। अरे आनंद जी, ये भी तो जानकारी कर लीजिए कि विधायक जी क्यों उतर के गाड़ी से गए। एक विषय भी तो है, क्यों उतर के गए? अगर उनके साथ किसी ने अभद्रता नहीं किया तो क्यों उतर गए? उतर के क्यों पूछे? ठीक है वीके गोस्वामी जी, आपके आपके आला कमान और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी लाल बत्ती के नशे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बेहतर होगा जितनी जल्दी समझ जाए, क्योंकि जनता से त्रस्त बिल्कुल है। अनिल दुबे जी, ठीक है अनिल दुबे जी, आपके पास मैं आता हूं। लाल बत्ती का यही नशा दुखदाई होता है लोकतंत्र के लिए। अब लाल बत्ती तो उतरवा दी गई, नसीहतें दे दी गई, लेकिन नशा कहां तक है देख रहे हैं हम लोग। अब इससे निजात कैसे मिलेगी, कैसे सुधरेंगे? नशा आनंद जी नहीं उतरा, लाल बत्ती उतरवा दी। बहुत अच्छी बात है कि आपने कह दिया कि हम लाल बत्ती उतार रहे हैं। सवाल उसके अनुकरण का है कि लाल बत्ती मन से उतरनी चाहिए, ये बात भी ये कहीं नहीं आई है। कोई मिनिस्टर जा रहा है, कोई इनके वीआईपी जा रहे हैं, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही, स्कॉर्ट चल रही है। लाल बत्ती का प्रचलन आपकी गाड़ी पे एक टिमटिमाती हुई बत्ती नहीं है, बाकी तो सारी बत्तियां आई हैं, आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं, तो ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है और ये कोई बहस का विषय भी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक जीत करके आते हैं, आबादी कहीं और है। सवाल मुद्दों पर रहना चाहिए, दिखावे की बात नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। मंत्री लाल बत्ती लगा ले, उतने से कोई वो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। सवाल मानसिकता का है, सवाल आपके व्यवहार का है, आपकी सोच का है। अजय जी, दो चीजें यहाँ पर हैं। पहला दुख तब होता है जब जनप्रतिनिधियों की ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं, जब खाल उतरवाने की बात की जाती है या फिर सरेआम कहीं न कहीं इनको लगाम लगानी पड़ेगी। ठीक है अजय जी, दुख तब भी होता है जब हम जनप्रतिनिधियों की ऐसी तस्वीरें देखते हैं, और दुख फिर तब भी होता है जब प्रवक्ता टीवी चैनल बैठकर कहते हैं कि मेरी खुद बात हुई थी, मारपीट वहां पर नहीं की गई। अगर दो तरफा मार सर ऐसी होने लगी कि कार्य से भी और जुबान से भी, तो जनता कहां जाएगी? आनंद, मैंने पहले ही कहा कि तर्क का जवाब कुतर्क नहीं हो सकता है जी। तो घटना है सामने, आप क्लिपिंग देख रहे हैं, सामने दिखला रहे हैं किस तरह माननीय विधायक जी उतरे और उन क्या। अरे अभी एक कल की घटना आपको बता दूं, बुलंदशहर की घटना है जी। एक सैनिक जो है वो घायल हुआ नक्सलवादियों से, बुलंदशहर पहुंचा घायलावस्था में, और वहां जो विधायिका जी गई वो ढोल ताशे के साथ पटाखे के साथ गई, और जब वहां उन्होंने कहा तो वो अपमानित भी होना पड़ा उनको। लेकिन ये सारी चीजें वही बात है कि सत्ता का नशा अगर रहेगा तो फिर समाजवादी पार्टी और इनमें फर्क नहीं। मैं फिर अपनी बात पे आता हूं। सत्ता का नहीं, रसूख का नशा होता है, क्योंकि अखिलेश यादव की तस्वीर भी हमने देखी है, जबकि वो शहीद परिवार के घर गए थे, वो कर्नल से बात करते तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझसे इंपॉर्टेंट कर्नल है, जो आप उनसे बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका तिरस्कार किया गया था। ये हर जगह की हर नेता की बात देखी गई है जी। अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। यही है, लेकिन कार्रवाई हो, एक मैं तो कहता हूँ एक विधायक पर कार्रवाई हो जाए, एक सांसद पर कार्रवाई हो जाए, मैसेज नीचे तक चला जाएगा। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात करते रहेंगे, चाहे जितना उपदेश दे दे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, तीन चार मामलों में कार्रवाई कर लेते, सहारनपुर वाली घटना में कर लेते, मेरठ वाली घटना में कर लेते, एक मैसेज चला जाता। मैसेज देने का काम अगर आज तक राजनीति में किसी ने किया है तो मायावती ने किया था। बाद में किस तरह बदली क्या है, मैं उस तरह नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए, नीचे तक लोग जाए। वीके गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी सर, शांति से सुनेंगे सवाल तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। वहाँ पर उदाहरण किसी और परिपेक्ष में दिया जा रहा है, और वही परिपेक्ष का सवाल सर आपसे पूछ लेता हूँ, क्या संगठन की तरफ से या पार्टी की तरफ से गोस्वामी जी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या? जो घटनाएं हुई है जी, उसमें किसी पे कृत कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। गोस्वामी जी की मजबूरी है भाई, मेरी ठीक कोई मजबूरी नहीं है। गोस्वामी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ सर। वीके गोस्वामी जी सर, कुतर्कों का सहारा नहीं लेते हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो सच्चाई सामने है, उसका आप सामना करिए। अपने एक
सांसद को गिरफ्तार कराने का काम कुछ नहीं किया था। कितने सेमो मारे गए, बहुत मारे गए, इससे बड़ी भ्रष्टाचार की बात नहीं। गोस्वामी जी, अजय जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास। गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी, साफ आईना सर दिखाया हम लोगों ने आपको, आपकी सांसद का भी, आपके विधायक का भी, उस आईने की सच्चाई सर आपसे पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, पूरे कार्यकाल को अच्छा नहीं कह रहे, निश्चित रूप से यही सवाल है। देखिए आनंद जी जी, ये सब चीजें जो है सब दिखाई जा रही हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बहुत विस्तृत तरीके से बताया, पार्टी में भी इसकी गहन अध्ययन चल रहा है, जो घटनाएं हुई सबको विनम्रता की भाव सिखाया गया है और बीजेपी विनम्रता की भाव। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही तो था गोस्वामी जी, जब आपने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पहला सवाल मेरा आपसे यही था सर गोस्वामी जी, कि क्या इन नसीहतों का असर होगा, पार्टी भी केवल बातें करती है कि बात नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए अंतर है, गलती कर रहा है, बात है में इन्हीं को तो बताने का कार्य किया जा रहा है, आर्मी में अंतर है, जनता का बातें करिए, गांव तक जाइए, ठीक है गोस्वामी जी, सरकार की योजना, ठीक है गोस्वामी जी वापस लौटूंगा, केसी जैन साहब गांव तक ले जाइए, ठीक है गोस्वामी जी वापस लौटूंगा, केसी जैन साहब सभा के अंदर ही बहुत सारी ऐसी पाठशालाएं बुलाई गई हैं, बहुत सारी नसीहतें दी गई हैं, असर होता है कि ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं के बीच में, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहें? नहीं नहीं, देखिए अनंत जी, जो सारी बातें हो रही हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कड़ी में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अभी उन्होंने कहा कि पहले कहा कि टूल प्लाजा पे कोई मारपीट हमारे विधायक ने नहीं की, उसके बाद में कहा कि अगर वहां पे गुंडे बैठते हैं तो मारपीट होगी, फिर कहा उन्होंने कि आखिर क्यों गाड़ी सूत्रे, क्यों मारपीट की, तो इन्होंने तीन स्टेटमेंट इतनी देर में क्यों विधायक जी के बारे में, मैं कहलाऊं विधायक का भी स्टेटमेंट दिया जाए, अगर मानवा की गाड़ी से सर सुनने की क्षमता रखिए गोस्वामी जी, अभी आप ही उनका स्टेटमेंट का बखान खुद कर रहे थे कि विधायक जी ने क्या कहा, आपको फोन पर बात हुई, कम से कम एक बयान पर सर टिकिए, नहीं वही चीज अनंत जी, इनकी जी कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी, देखिए कथनी करनी में सपा के लोगों में अंतर नहीं है, वो साफ दिखाते थे, क्या करते थे, कितना भ्रष्टाचार था इनके जी में, ये भाषण का मंच नहीं है गोस्वामी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बोलिए, लेकिन ये भाषण का मंच नहीं है, आप सबको इंटरप्ट करेंगे, अजय जी को भी, हमें भी, मैं किसी को नहीं करूंगा, सबको, आप दुबे जी को भी, भाइयों को मैं सम्मान करता हूँ, तो कैसे बात आ पाएगी जी। चलिए ठीक है, जैन साहब अपनी बात आप पूरे कीजिए, बाराबंकी की सांसद महोदया, क्या आपने पक्ष रखा दिखाया जी, किस तरीके से खाल खिंचवाने की बात करती हैं, और जो वीआईपी कल्चर की आपने बात की कि वीआईपी कल्चर और लाल बत्ती लगना ना लगना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ। जो है अनंत जी, जी और जिस समय लाल बत्ती का निर्णय आया था तब भी हम लोग एक चैनल पे बैठे हुए तो उस पर चर्चा हुई थी, तो उस पर यही बात उभर करके आई थी, साथ में तमाम सारे लोग बैठे थे, पत्रकार साजी बैठे थे, सबने ये बात कही कि लाल बत्ती बड़ी बात नहीं है, देखिए विधायकों को तो लाल बत्ती की ठीक है, विधायकों को तो लाल बत्ती की वजह से मेरे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, छोटा सा सवाल नहीं बहुत 60 में आप 30 सेकंड में सुन लीजिए, देखिए विधायकों को वैसे भी लाल बत्ती की परमिशन नहीं है, लेकिन पूरे पूरे दो तीन गाड़ियों का स्कॉट लेके चलना, दो तीन प्राइवेट गाड़ियों का स्कॉट लेकर के चलना, तो ये पांच छह छह गाड़ियों का स्कॉट, ठीक है जैसा वापस लौटूंगा, वीके गोस्वामी जी बहुत महज 10 सेकंड में उत्तर चाहूंगा कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी सर, 10 सेकंड में उत्तर दीजिए इसका। देखिए लाल बत्ती के मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल बत्ती का मुद्दा नहीं, जो मुद्दे हम आपको गिनवा चुके हैं सर, लेकिन मन की बात में भी उन्होंने कहा है कि इससे मन से भी उतारना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी नेता हैं ये तो गुंडाई कर रहे हैं, ये लाल बत्ती भी उतार रहे हैं सर, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि खुद आदित्यनाथ योगी ने कहा था अभी कार्यकारिणी की बैठक में कि जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उस वक्त कहा गया कि भाई किस नमूने को बैठा दिया गया, लेकिन हम साबित करके दिखाएंगे, उनका दृढ़ निश्चय था, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय के ऊपर उनकी जो सेना है वो क्या कारगुजारी कर रही है, ऐसे में कैसे खुद को प्रूव करेंगे वो? देखिए अनंत, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो यही एक सांसद महोदया बाराबंकी की, इन्होंने अपने पिता को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया था, मैसेज दिया था मोदी जी ने तत्काल, और एक और बड़े कैबिनेट मंत्री उनके बेटे के बारे में जब जानकारी हुई और यह हुआ कि उन्होंने अपनी एक बिरादरी के व्यक्ति को अपना पीएस नियुक्त कर दिया, तत्काल कार्रवाई हो गई थी, उस समय छोटे बड़े का कोई ख्याल मोदी जी ने नहीं किया था, प्रशंसा हुई और उसका मैसेज नीचे तक गया, योगी जी ने कह दिया कि हमें तो बता दिया कि किस उसको बना दिया है, किस नमूने को बना दिया है, लेकिन एक संदेश देने का काम करना चाहिए और वो संदेश दें
ऐसे लोगों पर, ऐसे विधायकों पर, ऐसे मंत्रियों पर अगर एक चिट्ठी भी लिख देंगे, उनको चेतावनी भी देंगे, हाँ। तो मैसेज चला जाएगा। आवश्यकता इस बात की है, केवल न सोएंगे न सोने देंगे, अलावा काम भी होना चाहिए, धरातल पर काम उतरना चाहिए। मोदी जी तो ठीक है, क्योंकि संदेश की हमें ज्यादा जरूरत है कि जनता को काम होता हुआ दिखे, और जनता ने जिस विश्वास के साथ मैंडेट दिया था वो विश्वास जनता का कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र फिलहाल सिर्फ इतना।